लिए हैं, इसकी हम मीठी चटनी बनाएंगे। ये हमने कच्चे आम लिए हैं, मीठी चटनी बनाएंगे और ये आलू की भुजिया बनाएंगे। ये हमने आलू लिए हैं, इसकी भुजिया बनाएंगे और आम की चटनी बनाएंगे। हमने ये कढ़ाई चढ़ा दी है, ये हम आलू को हमने छोटे छोटे काट लिए हैं, देखिए सभी को, और ये कढ़ाई हमने चढ़ा दी है। इसमें हम ये सरसों का तेल डालेंगे, इसकी भुजिया बनाएंगे आलू की, बहुत ही टेस्टी बनेगी। देखिए ये हमने सरसों का तेल डाल दिया है, अब ये गरम है। ये हमारा तेल अच्छा से गरम हो चुका है। ये देखिए हमने आलू डाल दिए हैं हमने अच्छे से, और अब हम इसमें ये नमक डालेंगे। ये देखिए हमने इसको तेज आंच पे रखा है, इसको हमेशा तेज आंच पे ही अभी पकाएंगे, इसको भूनेंगे तेज आंच पे ही। ये हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, देखिए, और नमक और ये हल्दी भी डाल देंगे, और ये थोड़ी हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक जल्दी अभी डालने से क्या होता है, जल्दी गल जाती है सब्जियाँ, इसीलिए नमक हमेशा शुरू में ही डाल दें। देखिए अब इसको हम सब्जी अच्छा है, ठीक है। इसको हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे, इसमें बहुत टेस्टी बनता है आलू की भुजिया, बहुत ही कोई भी भुजिया बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये इसको इस तरह से बनाएंगे, तो अच्छे से इसको चला लेंगे। और इसको ये ढक देंगे। ये देखिए हम इसको बीच बीच में चला लेंगे हल्की भुजिया से, तेज आंच पे ही पकाएंगे, इससे क्या होता है जल्दी गलती है सब्जियाँ। ये देखिए अब हम इसको चला लेंगे, देखिए थोड़ी गल गई है आलू, थोड़े से गल गए हैं, और ये बहुत ही अभी इसको और पकाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी बन जाएगा। लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छी भुजिया बनती है, ये देखिए। और अभी तक हमने तेजी आंच पे इसको पकाया है, इसको तेजी आंच पे अभी बनाएंगे। जब ये देखिए हमारा कितना अच्छा बन चुका है, इसमें हम ये हल्दी, इसमें हम ये धनिया पाउडर डालेंगे, और ये गरम मसाला, इसमें दो ही मसाला डालेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी बनके हमारा तैयार हो गया है आलू की भुजिया। इस तरह बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेगा, बच्चे आपको कहेंगे रोज़ बनाइए आलू की भुजिया, हमें रोज़ बना दीजिए, बहुत अच्छी बनेगी। और अब हम गैस बंद कर देंगे। ये कच्चे आम हमने काट लिए थे, इसकी मीठी चटनी बनाएंगे। और ये हमने तेल हमारा गरम हो चुका है, हमने कढ़ाई चढ़ा दी थी, और इसमें ये हम जीरा डालेंगे, और ये हमने हरी मिर्च काट ली थी, तीन हरी मिर्च हैं काट ली थी, इसको भी डाल देंगे। और आप हमने इसमें जो इसमें हम अब ये कच्ची आम डाल देंगे,
इसमें ये हम नमक डालेंगे थोड़ा, इसको मीठा बनाएंगे ना, खट्टा मीठा, तो हल्का सा नमक डालेंगे और इसमें गुड़ भी डालेंगे, गुड़ बाद में डालेंगे जब ये बन जाएगा। और इसमें ये हल्दी डालेंगे, हल्दी डाल दिया और ये थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसमें मसाले और कुछ नहीं पड़ेगा, बस इतना ही करना हो गया। चटपटी बनेगी थोड़ी चटनी, इसलिए हरी मिर्च थोड़ी सी और डालेंगे। अब इसको अच्छा से पका, इसको अच्छा से बना लेंगे, भून लेंगे। इसको चला दिया हमने, गलने तक इसको पकाएंगे, इसको तेज़ी आँच से पकाएंगे, जल्दी गल जाएगी। ये देखिए अब इसको ढक देंगे। देखिए हमारा ये आमी पक गया है, अच्छे से गल गई है। ये देखिए इसमें हमने खाली हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डाला है और इसमें कुछ कोई मसाला नहीं डालेंगे। ये देखिए अच्छे से बन गया है। अब इसमें हम ये बहुत जल्दी बन जाती है, 5 मिनट में गल जाती है। अब हम इसमें ये गुड़ डाल देंगे, इसको गुड़ अम्मा भी कहते हैं। ये देखिए अच्छा से बहुत टेस्टी लगता है, पूरी के साथ खाएं, कैसे भी खाएं। इसमें ये हम गुड़ डाल दिया है, ये अच्छे से मिला लेंगे, गुड़ इसमें मेल्ट कर जाएगा, अच्छे से बन जाएगा। और एक तरफ ही हमें तैयार हो गया है गुलम्मा, देखिए बहुत टेस्टी बनेगा। ये हमारा तैयार है, गुड़ अच्छे से मिल चुका है इसमें। और चुका है ये कचौड़ियाँ हैं, इसको भी हम तल लेंगे एक तरफ। देखिए बहुत टेस्टी बनता है इसको, जैसे नमक पारे का गूंदा था आटा, ठीक वैसे ही गूंदेंगे इसको। हमने दूध में गूंदा है और कलौंजी और अजवाइन भी डाला है इसमें, बहुत स्वाद लगता है। देखिए अच्छे से बन जाएगा, तो हम सभी कचौड़ियों को इसी तरह बना लेंगे। हाँ, ये छोले हमारे तैयार हो चुके हैं, इसकी रेसिपी हमने पहले ही शेयर कर ली थी। ये हमारा छोले है, इसकी रेसिपी हमने पहले बता दी है। और ये हमारा आम का मीठा चटनी है, और ये हमारी करारी आलू की भुजिया बहुत ही यम्मी बनी है, देखिए बहुत टेस्टी है। और ये हमारी कचौड़ी बनी है, और ये हमारा धनिया है का चटनी है, ये हमारी धनिया की चटनी है। सभी चीज़ें बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, सभी चीज़ें बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आशा है आप भी बनाएंगे और इसका आनंद लेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।